ऐसे इन लोगों ने हमारे साथ चाल किया है, ठीक उसी तरह से ये चाल चलना होगा। झंडुआ लाओ, अपनी बंदूक शेखर को दे दो। और इंस्पेक्टर साहब, आप बेफिक्र होकर चलिए, मैं पीछे आ रहा हूँ। शेखर, अपनी हिफाजत के लिए बंदूक ले लो। ठीक, तुम जाओ और नेता को घसीटते हुए किशन सिंह के अड्डे पर ले आओ। और मैं निहत्था किशन सिंह के अड्डे पर चल रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं कानून बड़ा होता है या कि मुलजिम। जब इन लोगों की यही जिद है, आज हमें दिखा देना है कानून में कितनी ताकत होती है और मुलजिम में कितनी ताकत होती है। जाओ जाओ इसी वक्त नेता के पास, मैं इसी वक्त चल रहा हूँ किशन सिंह। ठीक है, आइए। झंडबा सबको मालूम होना चाहिए, हाँ, किशन सिंह हमारी बेला को आपने अड्डे पर लेकर गया। चलो हम चलते हैं और अड्डे से बेला को छुड़ा कर लाऊंगा और हराम जादू को इसी कमरे में बंद करके अगर जम के मोहब्बत नहीं किया तो मेरा नाम नेता पर भी और कोई काम है। हद हो गया नेता बलवीर, बंदूक की नोक उधर को। हमारी बात को कान खोल कर सुन ले। मतलब सीधे साधे मेरे साथ चल और किशन सिंह का अड्डा बता, वरना साला तेरी खपड़ी आकाश में जाएगी। चल चल, ये पिस्तौल इस तरीके से नहीं, बदो की नंदी को रुख मोड़ दो। आओ आओ, मैं चलता हूँ। शोर इंस्पेक्टर कलम सिंह होश के आने का समय हो गया है। जाओ जाओ, हमारे घर में हमारे नए मेहमानों को इसी बात तुरंत अपने साथ में कराओ। झंडुआ झंडुआ, मेरा और ममता को लेकर आओ। इंस्पेक्टर घोष की आदर्शवादी धर्मपत्नी निष्ममता सरदार किशन सिंह के कमीने में आपका स्वागत है, स्वागत है। क्या क्या मैडम, जिस आदर्शवादी इंस्पेक्टर के दम पर रात बात हो रही थी। सरदार जी, आप सामने देखिए, इंस्पेक्टर अपने दोनों बाजुओं को ऊपर किए कैसे आ रहा है। अच्छा, आने दीजिए, आने दो, आने दो। किशन सिंह और सुमीर से ममता और बेला को छोड़। अच्छा, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अच्छा, तुम लोग इन्हें कैद की। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून का रखवाला, कानून का पुजारी, शाबाश शाबाश इंस्पेक्टर करण सिंह घोष, तेरी बहादुरी का दांत देता हूं मैं। सरदार जी,